हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बाजू वाले घंटे को भी दबाएं, वरना आपको घंटा कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अनंत और आप देख रहे हैं टेक्निकल अनंत। और आज मैं बात करूंगा फिल्मोरा के बारे में। मैंने फिल्मोरा ट्यूटोरियल का एक वीडियो पहले डाला था जिसमें मैंने बेसिक इसके टूल्स बताए थे कि आप कहां से क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाना भी सिखाऊंगा। आप सिंपल से वीडियो बनाने की मत सोचो, मैं यहां पर रिमिक्स वीडियो की बात कर रहा हूं। रिमिक्स वीडियो बनाना बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं। जो बड़े बड़े डीजेस बनाते हैं तो वो बड़े सॉफ्टवेयर से बनते हैं, जैसे अडोब प्रीमियर प्रो ऐसे सॉफ्टवेयर से बनते हैं वो वाले वीडियो। और फिल्मोरा में बनाना बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बना सकते हैं, आपके लिए सरल हो जाएगा वो बनाना। और मैं बहुत से वीडियो इसी से बनाता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि कैसे वीडियो बन जाते हैं इस फिल्मोरा से। तो मैं वही आज बताऊंगा कि आप कैसे रिमिक्स वीडियो बना सकते हो। बहुत सारे इफ़ेक्ट फिल्मोरा में दिए गए हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें फिल्मोरा में ये फीचर नहीं है कि आप ऑडियो की बीट के हिसाब से ऐड कर सको इफ़ेक्ट, तो इसमें ये होता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप कर सकते हैं फिल्मोरा में ही। तो मैं पहले आपको एक प्रीव्यू दिखा देता हूं कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था डीजे दलाल का, पूछकर उनसे, तो मैंने शौक के लिए ही बना लिया था। तो आप मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दिखा दूंगी कैसा इफ़ेक्ट हम डाल सकते हैं उसमें। तो पहले मैं इंट्रो दिखाता हूं, बाद में कुछ इफ़ेक्ट दिखाता हूं। तो इस तरह से ये इंट्रो इफ़ेक्ट हुआ, और कुछ बीच के मैं इफ़ेक्ट दिखा देता हूँ आपको कि ये आप ये ऐसा रिमिक्स इफेक्ट मैंने मूरा से ही बनाया है। ऐसे रिमिक्स बनाना आसान है, हालांकि आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, आप आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको ट्रैक करके, और मैं ये वीडियो यूज करूँगा। ये कोई बॉलीवुड के सॉन्ग का वीडियो नहीं है, ये एनिमेशन वीडियो है। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि मेरे चैनल पर कॉपीराइट ना आए। तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लूँगा टाइमलाइन पे, और टाइमलाइन में ऐड करने के बाद मैं कोई एक कॉपीराइट फ्री ऑडियो भी कर लेता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रोनोमिया है, मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूं। तो मैं एक इफेक्ट इस वीडियो में बताता हूं और बाकी इफेक्ट अगले वीडियो में बताऊंगा। मैं इस तरह से छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप देख सकें बेहतरीन तरीके से। और यहां पर मैं ऑडियो में चेक कर लेता हूं कि इफेक्ट कहां पर है। तो ऑडियो को मैंने म्यूट कर दिया था, इसलिए मैं इसका ऑडियो बढ़ा देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर अच्छा म्यूजिक बज रहा है, इस कारण से मैं यहाँ पर बनाऊंगा। मैं किस तरह से बनाऊंगा आप देख सकते हैं। पहले तो मैं इसको कट कर देता हूँ। चलो अच्छा, इसको यहाँ से मैंने कट कर दिया ऐसा। अब ये वाला वीडियो आ गया है, तो मैं यहाँ से इसको भी कट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ ब्लैक एंड वाइट है। ओके, तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से हमारा इफेक्ट कहाँ पे है ऑडियो में, यहाँ पे है। अभी वीडियो की वॉल्यूम आ रही है, इसलिए मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ। यहाँ से जाएंगे साइलेंट करने के लिए, ओके कर देंगे वीडियो में, है ना। तो वीडियो साइलेंट हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से और ये वाला पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से इसको ऐड कर देता हूँ। ओके,
मैं वीडियो चला के देखूंगा। ये ऑडियो म्यूजिक वाला कहाँ से शुरू हुआ था? यहाँ से शुरू होता है जहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट होता है। हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे ऐसे, तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ। फिल्मोरा में एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे हम ये स्प्लिट वीडियो लगाते हैं तो डायरेक्टली नहीं चल पाता, स्लो चलने लगता है यहाँ से। तो हम बार बार रेगुलर ना चला के बीच बीच से चला कर देखना होता है कि असली वॉइस कहाँ से शुरू हो रही है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ। अब आप ऑडियो की वेव्स को भी देख सकते हैं कि कहाँ ज़्यादा हाई हो रही हैं और कहाँ। अब देखो, अब मैं यहाँ से ऐसा फिल्टर लगाता हूँ। पहले तो मैं इसकी कलरिंग कर लूँगा, वीडियो की कलरिंग भी बता देता हूँ आपको। कलरिंग और इफ़ेक्ट, यहाँ से वीडियो में जाएंगे, यहाँ से आप इसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, सैचुरेशन भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, यहाँ से फिल्टर्स भी कर सकते हैं, ऑटो एनहांस में जाकर और शार्प कर सकते हैं। तो यहाँ से ऐसा करने के बाद अब मैं इस पर फिल्टर लगाऊंगा। तो फिल्टर के लिए मैं यहाँ बताऊँगा ये फिल्टर है। तो यहाँ से कोई मैं ऐसा नॉर्मल सा वाइट कलर का फिल्टर चूज करता हूँ, जैसे कि ये स्केच वाला भी ठीक है। स्केच वाला फिल्टर लगाने से वीडियो स्केचेज में हो जाएगा। ओके, इस तरह से हो गया। अब इसको हमें कैसे देखना, इफ़ेक्ट वाला बनाना है, बस आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बस यही सोच लेना आप, वरना अपनी क्रिएटिविटी आप बेहतरीन तरीके से दिखा सकते हैं। तो इसका मैं बीट चेक करता हूँ कि कहाँ पे है। हाँ, तो यहीं कहीं कुछ बज रही है ना। तो इसको हम और जूम कर लेते हैं ताकि हमारा वो छोटा आए। तो मैं यहाँ से इसको स्प्लिट करूँगा यानी कट करूँगा, और यहाँ से भी कट करूँगा, इसके बाद यहाँ से भी कट करूँगा, इसके बाद मैं इसको यहाँ से भी कट करूँगा, इसके बाद मैं इसको यहाँ से भी कट करूँगा, फिर यहाँ से भी कट करूँगा। मैं ऐसे कट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो बीट बज रही है तो शायद इसी हिसाब से बज रही है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो रिमिक्स गाने में थोड़ा आगे पीछे समझ में नहीं आ पाता। मैं अब इनको अलग कर दूँगा, ये बीच बीच के डिलीट कर दूँगा, है ना। अब आप देखना वीडियो का थोड़ा सा इफ़ेक्ट चेंज हो गया होगा। अच्छा, एक बार और कर देता हूँ इसको। यहाँ से इस ऑडियो में ज़्यादा नॉइस, तो यहाँ पर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, इस कारण से वेव ठीक से दिख नहीं रही है। तो यहाँ मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अब देखना आप, इफेक्ट थोड़ा अलग बनेगा आपका, जो लपकने वाला होता है वो इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो आ रहा है, तो इसी प्रकार से लपकने वाला बनाया जाता है, लेकिन ये बीट के हिसाब से नहीं आ रहा। तो मैं बीट देखता हूँ कि कहाँ पर। वीडियो हमें समझ में आ रही है बीट इसकी, तो ये जल्दी जल्दी हो रहा है। हमें इसको कैसे कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसे बराबर इसकी दूरी होनी चाहिए, आप ऐसे रखो। यहाँ पर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, रूलर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ये, तो यहाँ भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद ये भी है रात। तो यहाँ पर सही लाइन में लगे हुए हैं, इसको थोड़ा और इतना कर लेते हैं। अब देखना आप इसका
आ रहे हैं ना। ऑल राइट, आ रहे हैं, बस थोड़ा आगे पीछे है, तो हम वो भी सेट कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद जस्ट इसको डिलीट कर देना है ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और इनको माउस की क्लिक दबाए दबाए आपको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी करना है आपको, या तो फिर इनके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है इसको कंट्रोल वी करके, तो ये पेस्ट हो गया। अब इसके बाद मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर दो बार बज रही है, कहाँ पर, यहाँ कहीं दो बार बज रही है, तो हम एक को कॉपी करते हैं और यहाँ कहीं इसको पेस्ट करते हैं और फिर से यहाँ पर पेस्ट करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ऐसा हो गया। अब देखना, मैं इसको चला कर दिखाता हूँ। आई थी लाग, तो इसी प्रकार से इसको भी कॉपी कर लेना है, जितना हमारा सही बन रहा है हम इसको कॉपी करके आगे पेस्ट करेंगे ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना लगे ना। इसको भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से हम इसको पेस्ट कर देंगे, है ना। अब इसके बाद फिर चला के देखते हैं, आगे पीछे हो सकता है तो हम वो बाद में सुधार सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये इफ़ेक्ट डाल सकते हैं फिल्मोरा में भी, हालांकि फिल्मोरा में मेरे चले आज तक कोई ऐसा बताया नहीं कि हम ऐसे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इसमें मैंने बनाना सीखा और इसी प्रकार से मैंने थोड़ा सी मेहनत करके इसी प्रकार से इफ़ेक्ट लगा दिया। अब ये इफ़ेक्ट देखो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अच्छे खासे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर से बने हुए हैं। मैं बहुत ईजीली आपको बता दूंगा कि कैसे ये सारे इफ़ेक्ट डालने हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हो कि किस तरह से बने हैं, और आप पूछ सकते हो कि ये इफ़ेक्ट कैसे बन सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।